सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। बुधवार को चंद्र ग्रहण, रात में गलती से भी नहीं करे ये पांच काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों बुधवार को चंद्र ग्रहण है, 31 जनवरी को माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। ग्रहण का समय रहेगा सायंकाल 5:18 से रात्रि 8:41 तक यह ग्रहण रहेगा। जिस दिन ग्रहण रहता है उस दिन ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। 31 जनवरी बुधवार की सुबह 8:18 के बाद से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के समय कुछ बातों को हमको नहीं करना चाहिए। यदि इन कामों को हम करते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ सकती है, हमारा दुर्भाग्य बढ़ सकता है। तो मित्रों शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड से आकाश मंडल से नकारात्मक ऊर्जाएं लगातार पृथ्वी की ओर आती है और यदि इन कामों को हम करते हैं तो हमें निकट भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें चंद्र ग्रहण के समय कौन कौन से पांच काम नहीं करना चाहिए यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पांच काम हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि हर किसी को उन पांच काम को चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी वो कर लेते हैं तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो मित्रों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिएगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे पहला काम है तेल की मालिश न करें। ग्रहण के समय तेल की मालिश नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्रहण के समय तेल मालिश करते हैं उन्हें त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा काम है ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। जो लोग ग्रहण के समय सोते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्री, रोगी और बुजुर्ग लोग इस समय सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। तीसरा काम है पति पत्नी को रखना चाहिए संयम। ग्रहण काल में पति पत्नी को संयम रखना चाहिए, यानी दूरी बनाए रखना चाहिए। यदि ग्रहण के समय पति पत्नी द्वारा संबंध बनाए जाते हैं तो वह अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय बनाए गए संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान का स्वभाव अच्छा नहीं रहता है, यानी उस संतान में कई प्रकार की बुराइयां आ सकती है, अतः पति पत्नी को ग्रहण काल में सावधानी रखना चाहिए। चौथा काम है ग्रहण के बाद पका हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। शास्त्रों की मान्यता है कि ग्रहण से पूर्व पकाया हुआ भोजन ग्रहण के बाद खाने योग्य नहीं रह जाता है, अतः चंद्र ग्रहण के समय घर में रखे हुए पके भोजन में तुलसी के पत्ते, कुशा या फिर दूर्वा रख देना चाहिए। इसके लिए शाम से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ करके घर में रख लेना चाहिए। तुलसी के पत्तों से भोजन पर या जो है ग्रहण का बुरा असर नहीं होता है। तुलसी में मौजूद तत्व भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं और तुलसी जो है ग्रहण से भोजन की रक्षा करती है। भोजन की पवित्रता तुलसी के माध्यम से बची रहती है। और ग्रहण काल में देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनका पूजन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय मंदिरों के पट हमें बंद कर देना चाहिए और इस दौरान सिर्फ मंत्रों का मानसिक जाप किया जा सकता है। मानसिक जाप यानी बिना आवाज किए धीरे धीरे मौन रहकर के मन ही मन मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट मंत्र का जाप इस दिन किया जा सकता है और पूजन पाठ वर्जित ग्रहण के समय बताया गया है, जैसे ओम नमः शिवाय,
या फिर गायत्री मंत्र, या फिर श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आपका कोई भी इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका जाप आपको ग्रहण के दौरान करना चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको ग्रहण के समय क्या क्या कार्य नहीं करना है ये हमने आपको बताया है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस बातों का पालन अवश्य ही करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो है ग्रहण के दौरान इस प्रकार की सावधानी रखने की जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को एस्ट्रो मित्रम को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।